वेलकम टू आवर एग्जाम गाइड चैनल। 23 मई 2019, इस दिन हमारे 17वीं लोकसभा के नतीजे आए। कौन सी लोकसभा के? 17वीं लोकसभा के, जिसमें कि बीजेपी को भारी बहुमत मिला। इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अब हमारे 16वें प्रधानमंत्री होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो इन्हीं 17वीं लोकसभा के चुनाव पर होगा। आने वाले एग्जाम्स में चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, काफी हाई चांसेस है कि इसमें से भी सवाल आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, और इसकी थीम क्या है थी इस साल? नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। हर साल इसकी थीम चेंज होती है। तो 25 जनवरी 2019 को जो नेशनल वोटर्स डे मनाया गया उसकी थीम थी नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यंग वोटर्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए मोटिवेट किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाए, और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अगला सवाल देखते हैं। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया के इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। सुनील अरोरा इनका नाम है। ये हमारे 23वें सीईसी है, ये 23वें चीफ इलेक्शन कमीशन है। अब सवाल यहाँ से भी आ सकता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और जो हमारी पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी? रमा देवी। रमा देवी इनका नाम है, पहली फर्स्ट वुमेन सीईसी ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखते हैं। चुनाव के दौरान फिंगर्स पे जो इंक लगाई जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये सबसे पहले यूज की गई थी 1962 में मैसूर में। सबसे पहले जो इलेक्शन इंक यूज की गई थी 1962 मैसूर कर्नाटक में यूज की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस गांव में 100% वोटिंग हुई है? जी हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव में किस गांव में 100% वोटिंग की गई है? तो वो गांव है बारा बंगल विलेज। बारा बंगल विलेज जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। 2575 मीटर की ऊंचाई पर यह हाइट है। यहाँ पे 18 से ऊपर के सभी 135 वोटर्स ने वोट किया है, जिनमें की 60 महिलाएं और 75 पुरुष थे। बारा बंगल विलेज इस गांव का नाम है जहाँ 100% वोटिंग हुई है 2019 के लोकसभा चुनाव में। अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का हाईएस्ट पोलिंग बूथ कहाँ पे है? वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग बूथ यह है ताशीगंग। यह भी हिमाचल प्रदेश में है। ताशीगंग जो है स्पीति वैली में है, हिमाचल प्रदेश नियर सतलुज रिवर। ताशीगंग 4650 मीटर की हाइट पे, 4650 मीटर्स इन स्पीति वैली। यहाँ पे कुल 36 वोटर्स ने वोट दिया है आउट ऑफ 49 रजिस्टर्ड वोटर्स। 49 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 36 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। ये दुनिया का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया फर्स्ट वोटर पार्क, इंडिया का पहला वोटर पार्क कहाँ पर है? इंडिया का पहला वोटर पार्क है गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजीव रंजन ने यह पार्क इनॉग्रेट किया है गुरुग्राम हरियाणा में। और ये इसका मोटिव क्या है? टू मोटिवेट एलिजिबल पीपल टू मोटिवेट एलिजिबल पीपल टू वोट टू द लोकसभा इलेक्शन सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ द कंट्री। ताकि जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो लोग जिन्होंने अभी अभी 18 क्रॉस किए, जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, उनको लोकसभा इलेक्शन में वोट डालने के लिए मोटिवेट किया जा सके, ताकि उनका भी कंट्री की प्रोग्रेस में कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इसलिए यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला वोटर पार्क बनाया गया है। यहाँ पर एक सेल्फी बूथ भी है ताकि लोग वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी ले सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के ब्रांड इलेक्शन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है सना दुआ। नाम याद रखिए, सना दुआ। अगला सवाल देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप, ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया? टू एम्पावर द सिटीजन्स टू रिकॉर्ड रिपोर्ट एनी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। वोटिंग के दौरान अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव या उनके कार्यकर्ता अगर किसी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का को वायलेट करते हैं, तो इससे जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनको एक अधिकार दिया गया है ताकि इससे वो उनकी फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सके। मान लीजिए अगर किसी इलेक्शन के दौरान कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता या कोई पॉलिटिशियन वोटर्स को लुभाने के लिए उनको पैसे देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, अल्कोहल देते हैं, या फिर फायर आर्म्स बंदूकों से डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं,
तो इन सारी चीजों को जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो इनकी फोटो ले सकते हैं, इनका वीडियो बना सकते हैं और सी विजिल ऐप पे डाल सकते हैं, जिससे कि सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाता है। इससे उनको पता चलता है कि यहाँ पे इस रूल का वायलेशन हुआ है, और बाद में वो इस पे एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया इस साल 2019 में। अगला सवाल देखते हैं। इना जोरी इनिशिएटिव फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जितने भी दिव्यांग वोटर्स हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसका नाम है इना जोरी इनिशिएटिव। कहाँ लॉन्च किया गया? असम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकेश साहू, असम के सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकेश साहू ने ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है इना जोरी इनिशिएटिव इन गुवाहाटी, जिससे ताकि उनको एक बैरियर फ्री एंट्री मिल सके, उनको वोट डालते समय कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए ऐप लॉन्च किया गया इना जोरी इनिशिएटिव फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी वोटर्स। अगला सवाल देखते हैं। विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोट विक्ट्री मार्जिन, किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन रिकॉर्ड किया गया है? उसका नाम है नवसरी गुजरात। नवसरी गुजरात बीजेपी की कैंडिडेट सी आर पाटिल यहाँ पे जीते हैं, और वो भी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। 6.89 लाख वोट्स का डिफरेंस है उनके और सेकंड कैंडिडेट के बीच में, तो ये हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। और जो लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है, वो भी बीजेपी का ही कैंडिडेट है, इसका नाम है भोलानाथ। भोलानाथ टू विन द मछली शहर सीट इन यूपी। यूपी के मछली शहर सीट से भोलानाथ खड़े हुए थे, और वो लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन से जीते हैं, सिर्फ 181 वोट, सिर्फ 181 वोटों के अंतर से वो जीते हैं। तो हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन भी बीजेपी का है नवसरी गुजरात में, जो कि है सी आर पाटिल, 6.89 लाख वोट्स के डिफरेंस से जीते हैं, और लोएस्ट है भोलानाथ, जो कि यूपी के मछली शहर सीट से जीते हैं, सिर्फ 181 वोट्स के डिफरेंस से। अगला सवाल देखते हैं। इन विच स्टेट बीजेपी हैड हाईएस्ट वोट शेयर, इन विच स्टेट बीजेपी हैड हाईएस्ट वोट शेयर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का जो वोट शेयर वो है 69%, 69% हिमाचल प्रदेश में। गुजरात का है सेकंड नंबर पे 62.2%, और राजस्थान का है तीसरे नंबर पे 58.5%। अगला सवाल देखते हैं। विच पार्टी फील्ड्स अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, किस पॉलिटिकल पार्टी ने पहले ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को लोकसभा इलेक्शंस में टिकट दी है? तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पहले ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को लोकसभा के लिए इलेक्शन दिए, जिनका नाम है चिपरी भवानी। चिपरी भवानी फ्रॉम प्रयागराज सीट यूपी। आम आदमी पार्टी ने चिपरी भवानी, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उनको प्रयागराज सीट से लोकसभा की टिकट दी है। अगला सवाल देखते हैं। हु वॉज द रिचेस्ट कैंडिडेट इन लोकसभा इलेक्शन 2019? लोकसभा इलेक्शन 2019 के सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट कौन है? उनका नाम है रमेश कुमार शर्मा। 1107 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है। ये लोकसभा इलेक्शन 2019 के सबसे अमीर कैंडिडेट है। ये पाटलिपुत्र सीट से खड़े हुए थे और ये हार गए थे, ये अपनी सीट हार चुके थे। ये एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं, जिन्हें सिर्फ 1558 वोट्स ही मिले, 0.14% इन्हें टोटल वोट्स का मिला है, 0.14%। रमेश कुमार शर्मा फ्रॉम पाटलिपुत्र सीट पटना, सिर्फ 1558 वोट से मिले इन्हें। अगला सवाल देखते हैं। मुंबई सोशल वर्कर गौरी सावंत बिकम्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट गौरी सावंत एज वन ऑफ द 12 इलेक्शन एम्बेसडर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। मुंबई की सोशल वर्कर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, गौरी सावंत इनका नाम है, ये पहली ट्रांसजेंडर है जो महाराष्ट्र की इलेक्शन की ब्रांड एम्बेसडर रही है इस साल 2019 के चुनावों में। महाराष्ट्र में कुल 12 इलेक्शन एम्बेसडर्स थे, जिनमें से एक गौरी सावंत थी, जो कि एक ट्रांसजेंडर, ये पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महाराष्ट्र के इलेक्शंस का। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।